वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। चिनुक और सुखोई ने दिखाया कमाल। देश की वायुसेना ने अपना ये दम, अपनी ये ताकत और हैरत अंगेज करतब दिखाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मशहूर बड़े तालाब के ऊपर वायुसेना के जवाज फाइटर पायलट्स ने आसमान में हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखाकर हजारों दर्शकों को हैरान कर डाला। देश के सबसे बड़े इस एयर शो में 65 लड़ाकू विमान शामिल हुए, जिन्हें आसमान में उड़ाने में महिला पायलट भी शामिल हुई। कुछ लड़ाकू विमान आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद से उड़ान भरकर भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर कलाबाजियां कर रहे थे। इनमें खासतौर पर तेजस, आकाशगंगा, रुद्र, बादल, शमशेर, त्रिशूल, सारंग, जगुआर और सूर्यकिरण फाइटर प्लेन्स के प्रदर्शनों ने लोगों का दिल जीत लिया। एयर शो में चिनुक हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र था। इस एयर शो के जरिए वायुसेना ने अपनी युद्ध क्षमता का धमाकेदार परिचय भी दिया। सबसे खास बात तो यह है कि खराब मौसम के बाद वायुसेना के पायलट्स ने उड़ान भरकर साबित किया कि चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके हौसले में मौसम भी बाधा नहीं बन सकेगा। इस एयर शो को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम था। लोग अपने अपने घरों की छतों पर भी जुटे हुए थे ताकि वायुसेना के करतब और ताकत को देख सके। वहीं वायुसेना के जावाज पायलट्स के करतब देखने वाले हजारों बच्चों में भी भारतीय वायुसेना में पायलट बनने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि इस एयर शो का रिहर्सल पिछले कई दिनों से चल रहा था। एयर शो में सबसे पहले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग की। मनुभावम टेकरी से 2 चिनुक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस एयर शो को देखने के लिए मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी पहुंची थी। पृथ्वी फॉर्मेशन में C-130J सुपर हरकुलस AN-32 प्लेन ने शौर्य दिखाया। 5 जगुआर एयरक्राफ्ट ने शमशेर फॉर्मेशन में करतब दिखाया। सारंग टीम ने 4HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने हवा में दिल का शेप बनाया। भारतीय वायुसेना हर साल अपने स्थापना दिवस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में एयर शो का आयोजन करती है, जिसमें शामिल होने वाले लोग वायुसेना की ताकत देखकर रोमांचित हो जाते हैं। इस बार इसका आयोजन भोपाल में किया गया और इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उड़ा। और जिन लोगों को एयर शो में आने की इजाजत नहीं मिली, वो सड़कों पर एयर शो और वायुसेना की ताकत देखते हुए नजर आए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।